अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फनी न्यूज के साथ मोहम्मद इम्तियाज। सबसे पहले आपको हेडलाइन सुनाते हैं। दुनिया का सबसे बेहतरीन सिंगर मच्छर है, इसकी आवाज पसंद आए या ना आए ताली तो बजानी पड़ती है। मच्छर को अंदर ही अंदर पी जाना एक अकलमंद और समझदार और फर्मा बरदार शोहर की निशानी है। लड़की और लड़के की मंगनी तावील हो जाए तो सबसे ज्यादा मोबाइल कंपनी को फायदा होता है। जराए जनाब हकूमती मुआशियात का दावा। अगर रिश्ता देखने जाएं तो लड़की वाले चाय पेश करें और उसका जायका अच्छा ना हो तो समझ जाएं कि लड़की ने लड़के को फेटे मुंह बोल दिया। के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी आने से पहले 2 लाख पंखों का बीपी लो हो गया। खुद भी अरबी सीखें और बीवी को भी अरबी सिखाएं ताकि लड़ाई अगर घर में लड़ाई हो तो मोहल्ले वाले यही समझें कि इस घर में दुआएं हो रही हैं। माथे पे खून, आंखों में रेत, आज एक महबूब ने फूल समेत गमला मार दिया। एक फूल मोतियेदा मार के जगा सोनिया, महबूब को फूल समेत गमला मार दिया। लफ्ज़ मंगनी गलत लफ्ज है, असल इसका नाम टंगनी है, क्योंकि एक फराकैन को इंतजार की घड़ी में दोनों को टांग दिया जाता है। मुल्क में मुआशी एमरजेंसी लगाने का फैसला। जिसने 2 से ज्यादा रोटियां खाई उनका मैदा और जिसने चावल खाए उनका गुर्दा निकालने का नोटिफिकेशन जारी। इंसान के जिस्म में 95 से 100 अरब रगें होती हैं। ये सिर्फ बीवी ही समझ सकती है कि किस वक्त कौन सी रग दबानी है। आजकल सियासतदानों को ईमानदार मानना और गांव में खतना करने वाले नाई को सर्जन मारने के मुतरादिफ है। लाहौर में लड़की ने 10 किलो घी और 12 लीटर पेट्रोल हकमार में मांग लिया। लड़की ने लड़के वालों की सत्यानाश कर दिया और लड़का भागने में कामयाब, लड़की वालों का सर्च ऑपरेशन शुरू। औरतें अगर ज्यादा पड़ जाएं तो वो औरतें नहीं रहती, वो मर्दों के लिए थानेदार बन जाती हैं। दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन सफर सर्दियों में बिस्तर से बाथरूम तक जाने का है। अम्मी ने खाला को, अब्बू ने फूफो को और मैंने 3-4 को मंगनी का कहा हुआ है। दंगल तो उस दिन सजेगा जब मंगनी होगी। बेगम आपको मेकअप की क्या जरूरत, आप तो वैसे ही खूबसूरत लगती हैं। ये 2 अल्फाज आदमी की आधी तनख्वाह बचा लेते हैं। अपनी बहन बचाओ, दूसरों की बहन नचाओ, ए इब्ने आदम डूब कर मर जाओ। तक के लिए इतना ही काफी है। मजीद जानने के लिए हमारा YouTube चैनल पंजाबी मुंडा व्लॉग देखते रहें और इंशाल्लाह हम आपको इस तरह एंटरटेनमेंट करते रहेंगे और आपको हंसाते रहेंगे। आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत तो मज़ा आने वाला है। और जैसे जैसे हमारे भी लोग आएंगे इंशाल्लाह आपको फ़नी हर किस्म की एंटरटेनमेंट दी जाएगी। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अब हमारा आज का व्लॉग जो था वो उर्दू में था और फ़नी था। इंशाल्लाह हम ऐसे ही आपको एंटरटेनमेंट करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।